everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 22, left and right. So question number 1 is, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. ठीक है, हमें MCQs दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिंबल इज यूज टू शो अ हॉस्पिटल इन द मैप. कौन सा साइन इसमें से हॉस्पिटल के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट जो सेकेंड ऑप्शन है बी, वो है करेक्ट ऑप्शन. एक प्लस का साइन रहता है, वो हमें हॉस्पिटल शो करता है मैप के अंदर. सो आंसर इज बी. नंबर 2, टू होम इज़ अ मैप नॉट यूजफुल. इसमें से किसके लिए मैप जो होता है, ठीक है, रोड मैप होता है या फिर सिटी का मैप होता है. ठीक है, ये सारे जो मैप्स होते हैं वो किसके लिए यूजफुल नहीं होता है इनमें से. सो ऑप्शंस दिए, ए टीचर, बी टूरिस्ट, सी पोएट्स एंड डी सेलर. ठीक है, तो टीचर्स भी यूज़ करते हैं, स्कूल में मैप यूज़ करते हैं. टूरिस्ट जो होते हैं, वो जब बाहर घूमने जाते हैं किसी जगह पे, तो मैप यूज़ करते हैं, उस जो प्लेस का मैप यूज़ करते हैं. देन सेलर्स, ठीक है, जो शिप में सेलिंग करते हैं उसे सेलर कहते हैं. वो लोग भी मैप यूज़ करते हैं ना कि किस डायरेक्शन में शिप को लेके जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है उसके लिए. तो सी जो ऑप्शन है, पोएट्स, ठीक है, वो मैप का यूज़ नहीं करते. तो आंसर इज सी, पोएट्स. नाउ नंबर 3, विच डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन मैप्स. तो देखो, कौन सा डायरेक्शन जो है मैप में इंडिकेट किया गया है. सो ऑप्शन है ए ईस्ट, बी वेस्ट, सी साउथ, डी नॉर्थ. आंसर इज डी, नॉर्थ. नॉर्थ इंडिकेट किया गया है. देन नंबर 4, विच सिंबल इज यूज फॉर अ ट्री इन मैप्स. मैप में ट्री के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है. तो 4 सिंबल्स ये करेक्ट सिंबल है बी, जिसमें ट्री ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, तो वो सिंबल यूज़ किया जाता है ट्री के लिए मैप के अंदर. देन नंबर 5, फॉर व्हाट हैज़ द गिवन सिंबल बीन यूज. ठीक है, ये जो सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, सेमी सर्कल की तरह, ठीक है, तो ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन हैं ए हाउस, बी स्कूल, सी बस स्टॉप, डी गेट. सो आंसर इज डी, गेट. ये जो सिंबल है वो गेट के लिए यूज़ किया जाता है. देन नंबर 6, विच सिंबल हैज़ बीन यूज फॉर द हाउस इन द मैप. मैप के अंदर हाउस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया. तो 4 सिंबल्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. सो आंसर इज ए, ठीक है, जो हाउस जैसा सिंबल है, एक हट जैसा सिंबल है, उसको यूज़ किया जाता है हाउस इंडिकेट करने के लिए. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी हुई है. सो नंबर 1, डैश आर यूज्ड इन मैप्स टू शो डिटेल्स. ठीक है, मैप्स के अंदर क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं डिटेल्स शो करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स डिटेलिंग करने के लिए, बताने के लिए. सो आंसर इज सिंबल, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. देन नंबर 2, द डैश सिंबल इज़ यूज्ड फॉर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी. हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, ठीक है, यानी मेडिकल शॉप्स वगैरह के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है. तो प्लस वाला जो सिंबल होता है वो यूज़ किया जाता है, तो आपको यहाँ प्लस का सिंबल लगा देना है. नाउ नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द मैप गिवन इन द टेक्स्ट बुक देर इज़ अ डैश नेक्स्ट टू रुचिराज हाउस. ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो मैप दिया गया है, ठीक है, उसमें रुचिराज स्कूल, ठीक है, यानी कि रुचिरा का जो स्कूल है उसके बाजू में, नेक्स्ट मीन्स बाजू में क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो एक ट्री दिया हुआ है. आंसर इज ट्री. देन नंबर 4, गिवन सिंबल, ठीक है, एक सिंबल दिया हुआ है, दिस सिंबल इंडिकेट्स द डैश. ठीक है, ये जो रेक्टेंगल सिंबल दिया गया है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है बस स्टॉप. आंसर इज बस स्टॉप. नंबर 5, योर स्कूल इज इन द डैश डायरेक्शन फ्रॉम द विलेज. ठीक है, तो जो स्कूल है वो कौन सी डायरेक्शन है, विलेज से कौन सी डायरेक्शन में है. सो आंसर इज वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, स्कूल जो है वो विलेज की डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट साइड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स. ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें यहाँ पे. सो नंबर 1 इज, द क्रॉस सिंबल हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ स्कूल इन द मैप. मैप के अंदर ये जो क्रॉस वाला सिंबल है वो स्कूल के लिए यूज़ किया है. आंसर इज ट्रू. नंबर 2, ओनली कार्टून पिक्चर्स आर यूज्ड एज सिंबल इन द मैप. सिर्फ कार्टून वाले पिक्चर्स यूज़ किए जाते हैं एज ए सिंबल इन द मैप. सो आंसर इज फॉल्स. नंबर 3, ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन मैप. सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट किया जाता है मैप्स में, देन येस, आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द
सिंबल हैज़ बीन यूज इन द मैप टू शो अ वेल. ठीक है, ये जो गिवन सिंबल है वो मैप के अंदर वेल यानी कि कुआं दिखाने के लिए यूज़ किया गया है. देन नो, आंसर इज फॉल्स. नंबर 5, द सिंबल फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन एट द टॉप ऑफ अ मैप. नॉर्थ डायरेक्शन का सिंबल हमेशा मैप के टॉप पे दिया जाता है. देन येस, इट इज़ ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली. ठीक है, मैच द फॉलोइंग दिए हैं. नंबर 1, हाउस. हाउस के लिए कौन सा सिंबल दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे हमें प्लेसेस दी गई हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में सिंबल्स दिए गए, तो प्लेसेस को सिंबल्स के साथ मैच करना है. सो फर्स्ट इज हाउस, कौन सा सिंबल है हाउस के लिए? सी. देन नंबर 2, ट्री. ट्री के लिए कौन सा सिंबल है? सिंबल डी. देन नंबर 3, हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के लिए कौन सा सिंबल है जो प्लस साइन वाला है, यानी कि ई इज द आंसर. देन नंबर 4, वेल. वेल के लिए कौन सा सिंबल है? ए, जो एकदम सर्कल है और उसके अंदर भी एक सर्कल है, वो वेल के लिए है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपके अपने क्लासरूम के आजू बाजू देखना है और ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको आंसर करने हैं. सो नंबर 1, व्हाट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, सो आंसर इज़ ब्लैक बोर्ड, टेबल एंड चेयर. ठीक है, हम स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो हम सामने देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमारे सामने ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, टेबल होता है एंड एक चेयर होती है यूजुअली. देन नंबर 2, व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट. आपके लेफ्ट साइड क्या है? तो आपको अपने क्लास के लेफ्ट साइड देखना है और बताना है कि क्या दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है विंडोज़ और वॉल्स, यानी कि एक दीवार है और विंडोज़ है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके लेफ्ट साइड डोर हो और वॉल हो, तो आप डोर और वॉल लिख देना. ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन कर देनी है. देन नंबर 3, व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. आपके पीछे क्या है? ठीक है, आप जहाँ बैठे हैं तो एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि पीछे, बिहाइंड क्या चीज़ें हैं? देखो, बेंचेस, स्टूडेंट्स एंड वॉल्स. ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन की है, बेंचेस हैं, स्टूडेंट्स हैं और वॉल है, यानी कि दीवार है. नंबर 4, ऑन हूज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. आप किसके लेफ्ट साइड बैठे हैं? ठीक है, तो माय बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लेफ्ट साइड बैठा हूँ. यूजुअली हम स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है माई बेस्ट फ्रेंड. देन नंबर 5, हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट. आपके राइट साइड कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा गया है माई क्लासमेट रिया. आपको अपने क्लासमेट का नाम लिख देना है. ठीक है, जो भी आपके राइट साइड बैठा है, ठीक है, उसका नाम लिख देना है. देन नंबर 6, ऑन हूज राइट साइड आर यू सिटिंग. आप किसकी राइट साइड बैठे हैं? ठीक है, तो आप जिसकी राइट साइड पे बैठे हैं, यानी कि आपके लेफ्ट साइड कौन बैठा है, आपको उसका नाम लिखना है. तो प्रीति, वन ऑफ माई फ्रेंड. ठीक है, आपका जो भी फ्रेंड आपके लेफ्ट साइड बैठा है, आप जिसके राइट साइड बैठे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज़ अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर. इन दिस पिक्चर ड्रॉ अ बुक बिहाइंड रुचिरा. ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके का पूरा मैप गिवन है. ओके, रुचिरा सेंटर में बैठी है. ठीक है, और 4 बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक टॉप पे, एक बिहाइंड. ठीक है, एक फ्रंट में है, एक बिहाइंड है. ठीक है, एक पीछे है और एक आगे है. तो देखो, फर्स्ट में क्या आपको दिया है? अ बुक बिहाइंड रुचिरा, यानी क्या आपको रुचिरा के बिहाइंड पे एक बुक ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, तो देखो, रुचिरा के पूछे यहाँ पे एनवायरमेंट क्लास 3 की मैंने एक बुक ड्रॉ कर दी है. ठीक है, देन आपको सेकंड दिया है एन एनिमल अ फ्लावर ऑन रुचिराज राइट. यानी रुचिरा के राइट साइड आपको एक फ्लावर बना देना है, तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया है. देन थर्ड बोला है अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट. रुचिरा के लेफ्ट साइड आपको एक चेयर बनानी है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक चेयर बना दिया. दिस इज़ अ चेयर. आप अपने हिसाब से दूसरा ड्राॅइंग भी कर सकते हैं. देन नंबर 4, अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा. रुचिरा के सामने आपको एक ट्री बनाना है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये रुचिरा है और उसके फ्रंट में एक ट्री बना लिया है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर हेल्प रुचिरा टू रीच स्कूल फ्रॉम हर होम. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या, देखो, एक पिक्चर दिया गया है और हमें रुचिरा को हेल्प करना है स्कूल पहुँचने के लिए उसके घर से. ठीक है, तो देखो ये रुचिरा का घर है. अब हमें रुचिरा को हेल्प आउट करना है स्कूल पहुँचने के लिए, तो ये रुचिरा का घर है और यहाँ पे स्कूल है. ठीक है, तो ये रुचिरा है, यहाँ से हम इस तरीके से जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ अ वे टू रीच
स्कूल, ठीक है। तो यहाँ आपको इस तरीके से एक लाइन बना देनी है रुचिरा के घर से स्कूल तक। देन क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द मैप फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो हमें मैप को ही फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 में जो हमें मैप दिया है उसी को फॉलो करना है, और जो ये क्वेश्चन गिवन है वो हमें आंसर करना है। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट देयर नेम्स, ठीक है। जब रुचिरा घर से स्कूल जा रही है तो उसको रास्ते में कौन सी जगहें, ठीक है, और कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है, वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। देखो, वो जब घर से निकल रही है तो देखो सबसे पहले एक हाउस और बिल्डिंग आ रही है, फिर हैडपम्प आ रहा है, फिर ट्री आ रहा है, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, शॉप, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ट्री, स्कूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जगहें और वो थिंग्स फाइंड आउट करेगी, उसे दिखाई देंगी। तो ये हमें आंसर में लिख देना है, रुचिराज हाउस आएगा पहले, देन बिल्डिंग, हैडपम्प, ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, ट्री एंड फाइनली स्कूल। देन नंबर 2, विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। अब रुचिरा जो है वो जब घर से स्कूल जा रही है, ठीक है, तो कौन सी चीज़ें उसको लेफ्ट हैंड साइड दिखेंगी और कौन सी जगहें और थिंग्स उसको राइट हैंड साइड दिखेंगी, वो आपको डिवाइड कर देनी है, ठीक है। तो व्हाट विल बी ऑन हर राइट, राइट साइड कौन सी चीज़ें, प्लेसेस और थिंग्स होंगी, सी, ट्री, पार्क, वेल एंड पोस्ट ऑफिस। देन व्हाट विल बी ऑन हर लेफ्ट, लेफ्ट साइड कौन सी प्लेसेस और थिंग्स आएंगी, देन रुचिराज हाउस, बिल्डिंग, हैंडपम्प, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, स्कूल, ये सारी जो प्लेसेस और थिंग्स हैं ये लेफ्ट साइड आएंगी। देन नंबर थ्री हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है। घर से जब रुचिरा स्कूल जा रही है तो उसको कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो रुचिरा विल हैव टू टेक 5 टर्न्स ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, तो उसे टोटल 5 टर्न्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मैप को कंसिडर करना है और काउंट करना है कितने टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 5 टर्न्स आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन इज़, आइडेंटिफाई द सिम्बल्स एंड राइट देयर नेम्स, ठीक है। अब देखो, हमें एक मैप भी दिया गया है और यहाँ पर सिम्बल्स दिए गए हैं। अब ये सिम्बल्स किस लिए यूज़ किए गए हैं वो हमें यहाँ पर मैंशन करना है, ठीक है। तो देखो, वेरी फर्स्ट सिम्बल जो है यहाँ पर, ये इंडिकेट करता है रुचिराज हाउस। देन सेकेंड है हाउस और बिल्डिंग। देन थर्ड जो सिम्बल है वो ट्री इंडिकेट करता है। देन ये जो है हैंडपम्प। देन ये है पार्क, दिस इज वेल, बस स्टॉप, देन पोस्ट ऑफिस, दिस इंडिकेट्स पोस्ट ऑफिस, दिस इंडिकेट्स हॉस्पिटल, देन दिस इंडिकेट्स शॉप एंड दिस वन स्कूल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।